हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम जोर शोर पे चल रहे हैं। मैं एक बस बहुत छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ, क्योंकि जब अकाउंट्स का पेपर हुआ मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर अकाउंट्स का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम के बीच में हम लोग पैनिक कर गए, इस वजह से बहुत सारा पेपर छूट गया। सर, ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना चाहिए और बेसिकली सोच में क्या अंतर होना चाहिए, इसी पे मेरा आज का डिस्कशन है। और बच्चों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल इंसिडेंट, शायद हो सकता है ये आपको इंस्पायर करे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत एक इंस्पिरेशनल इंसान हूँ, लेकिन मे भी शायद मेरी कहानी आपको इंस्पायर कर जाए। बच्चों, टाइम है 2014 का, मेरा ICWA फाइनल का अटेम्प्ट था। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आप लोगों से, माई एज इज जस्ट 23 ईयर्स राइट नाउ। अच्छा, मैं जब अपना पेपर देने गया CMA फाइनल का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर था, उसमें मैं, जैसा कि मैंने एडवाइस भी किया था बहुत जगह पे, मैं होल्डिंग और अमल कमीशन कंपनीज को छोड़ के चला गया था। मेरे ही टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था और पैटर्न भी पेपर थ्रो करने का चेंज हुआ था। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पेपर में ऐसा हुआ कि आया 8 क्वेश्चन सारे के सारे कंपल्सरी हैं और इसमें सब में इंटरनल चॉइसेस थी। ऑफकोर्स दो पहले के क्वेश्चन एक अमल कमीशन का था और एक होल्डिंग का था, दोनों ही 25-25 मार्क्स के थे और मैं जानता था कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। CWA फाइनल यानी CMA फाइनल 2014 अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट की बात है, मैंने सोच लिया था एक बार के लिए कि शायद मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट लग गया है, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है। और चेंज करने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच थी कि मैं पहले सोचना बंद करूं। मैं, क्योंकि उस सिचुएशन में बहुत बुरी हालत थी, मैंने सोचना बंद किया। मैं 10 10 मिनट एकदम ब्लैंक बैठ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास अब 2 घंटे 50 मिनट हैं और इन 2 घंटे 50 मिनट में मैं या तो बाकी 50 मार्क्स का पेपर कर लूं, जो इसके लिए जिसके लिए मुझे 2 घंटे 50 मिनट बहुत सफिशियंट थे, बहुत मैं आराम आराम से बहुत अच्छे से वर्किंग नोट्स बना के काम कर सकता था, या फिर मैं क्विट कर दूं। मैंने दूसरा ऑप्शन ना लेते हुए पहला ऑप्शन लिया और मैंने 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। और मैंने बहुत फेथ रखते हुए, ये मानते हुए कि जो भी होगा अच्छा होगा, मैं वो पेपर लिखते गया। अल्टीमेटली आई स्कोर्ड 49 मार्क्स इन दैट पेपर। इसका रीजन बच्चों यही रहा कि मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखा और मैंने ये सोचा कि पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो सिचुएशन आ चुकी है वो आ चुकी है, ये बदली नहीं जा सकती। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ सभी को कि शायद मेरे आपको इंसिडेंट से इंस्पिरेशन मिले या नहीं मिले, लेकिन एक सीख जरूर मिलती है कि हमें पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने से सिचुएशंस चेंज नहीं होंगी, आपकी सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी और आपके लिए बेटर रिजल्ट लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मेहनत करें, उस टाइम पे उस पेपर को अच्छा करने की कोशिश करें। जो हो चुका उसका कुछ नहीं किया जा सकता, आगे के पेपर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। विद दिस शॉर्ट एडवाइस मैं फिर से साइन ऑफ लेता हूँ। बाय बाय।